नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की छात्रों को प्रमोट करने की यहाँ पर दोस्तों तैयारी है, वो राजस्थान बोर्ड व राजस्थान सरकार कर रही है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मौजूद थे, और उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि दोस्तों आपकी जो धारा 144 थी, जो आपकी अब 21 जून तक कर दी गई है। पहले इसकी जो डेट थी दोस्तों वो 21 मई तक थी। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो लॉकडाउन है दोस्तों वो अब 21 जून तक रहेगा, और लॉकडाउन की अवधि है 1 महीने बढ़ा दी गई है। इस प्रकार दोस्तों अब जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर उनसे बात की गई, तो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि आज हम छमाही और प्री बोर्ड के अंक के लिए आदेश हैं वो दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, छमाही और प्री बोर्ड के अंक हैं। अब आपके दोस्तों यहाँ पर जो सभी जिला समन्वयक हैं, जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, वो दोस्तों उनको आदेश आज मिल जाएंगे गृह मंत्रालय की तरफ से, और वो आदेश दोस्तों आगे है वो शिक्षा मंत्री सभी दोस्तों यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं उनको देंगे। जिला अधिकारी यहाँ पर दोस्तों सभी आपके विश्व जो विद्यालय के दोस्तों यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उनको यहाँ पर दोस्तों आदेश दे दिए जाएंगे कि आप जो है सभी छमाही बोर्ड यानी जहाँ जहाँ पर दोस्तों छमाही की परीक्षा हो गई है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो प्री बोर्ड जिन जिन स्कूलों में प्री बोर्ड करा लिए गए थे उनके सभी के अंक हैं दोस्तों अब अपलोड करने होंगे ऑफिशियली साइट पर। 10वीं के पहले यहाँ पर दोस्तों वह फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर RBSE की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर दोस्तों संयुक्त अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से RBSE बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर छात्र छात्रों को प्रमोशन देने की मांग की है। यानी कि अब दोस्तों संयुक्त अभिभावक संघ है दोस्तों, जो पेरेंट्स संघ है दोस्तों, उसने साथ ही CBSE बोर्ड से भी 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग केंद्र सरकार से की है। संघ ने कहा है कि परीक्षा की आड़ लेकर निजी स्कूल संचालक अभिभावक पर दबाव बना रहे हैं और मनमानी फीस वसूल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं की छात्रा सोनिया राजपूत ने कहा है कि बार बार परीक्षा स्थगित करने से हम कंफ्यूज हैं, सरकार को तत्काल परीक्षाओं पर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कभी जो बयान आता है जो आपके शिक्षा मंत्री हैं वो बोलते हैं कि हम जो है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला लेंगे, तो वहीं जो DP जारौली हैं, जो आपके चेयरमैन हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, वो बोलते हैं कि हम अनुकूल परिस्थितियां होने पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई में कराएंगे। तो ऐसे में दोस्तों स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि उनकी एग्ज़ाम होंगी या नहीं होंगी। इसको लेकर दोस्तों आज आपके आदेश हैं वो जारी हो सकते हैं, और CBSE की तर्ज पर आपकी राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएँ दोस्तों रद्द हो सकती हैं। इसको लेकर आज दोस्तों शाम तक जो है ऑफिशियली तौर पर दोस्तों आदेश हैं वो दे दिए जाएंगे। अभी सिर्फ बयान आया है दोस्तों, अभी ऑफिशियली तौर पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है जिसमें कि आपकी छमाही और प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने के लिए कहा गया हो। लेकिन जल्द ही जो है इसको लेकर दोस्तों आपका जो है 24 मई तक दोस्तों आपके लिए जो फाइनल निर्णय आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके जो छमाही और जो प्री बोर्ड के अंक हैं उसको लेकर आज शाम तक या कल सुबह तक आपके लिए अपडेट आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों सरकार को भी पता है कि ज़्यादा समय तक आप परीक्षाओं को नहीं रोक सकते, या तो आप परीक्षाएं आयोजित करवाएं या फिर दोस्तों आपको जो परीक्षा स्टूडेंट को जो है प्रमोट करना चाहिए। तो 10वीं के स्टूडेंट को प्रमोट को लेकर लगातार अपडेट आ रही थी और मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 10वीं की यहाँ पर पहले दोस्तों यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। अगर मैं 12वीं की बात करूँ दोस्तों, 12वीं राजस्थान बोर्ड 12वीं की, तो उनको लेकर दोस्तों 1 जून तक आपको इंतजार है, बुक करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून के बाद ही सरकार इस पर फैसला ले पाएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति देखी जाए तो दोस्तों कोरोना की जो है रफ्तार है भले ही कम हो गई है, लेकिन दोस्तों जो मृत्यु का आंकड़ा है, जो मरने वालों की संख्या है, उससे सरकार को दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा डर है वो बना हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट वगैरह कोरोना फैलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज शाम तक जो भी अपडेट आएगी दोस्तों राजस्थान बोर्ड की छमाही और प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने को लेकर, सबसे पहले आपको इस चैनल के द्वारा मिली जाएगी अपडेट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।